आज मिली शिवपुरी में निवास कर रही रिंकी वर्मा से। रिंकी वर्मा ने मिस इंडिया बॉडी ब्यूटीफुल में पांचवा स्थान प्राप्त किया है। हम आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर केवी वर्मा की पत्नी रिंकी वर्मा ने गुरुग्राम में आयोजित हुई मिसेस इंडिया प्रतियोगिता में शामिल होकर पांचवा स्थान हासिल किया। ये प्रतियोगिता इसी माह 8 अगस्त को आयोजित हुई थी और गुरुवार को इसके नतीजे घोषित किए गए। देखिए खास बातचीत में मिस इंडिया रिंकी वर्मा ने क्या कुछ कहा सुनील रजक के साथ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट समाचार में। एक बार फिर आज हम आपको मिलवाएंगे बॉडी ब्यूटीफुल 2021 की मिस इंडिया जो पाँचवें नंबर पर आई हैं रिंकी वर्मा जी से। मेडिकल कॉलेज में जो अधीक्षक हैं डॉक्टर केवी वर्मा, उनकी ये वाइफ हैं और इन्होंने 2021 का मिस बॉडी ब्यूटीफुल मिस इंडिया जीता है और पाँचवें नंबर पर ही आई हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका रिंकी वर्मा जी फर्स्ट समाचार में। थैंक यू, धन्यवाद। तो आप हमें बताइए कि आपने ये कंपटीशन जो जीता है 2021 का, तो आपको कैसे ये प्रेरणा मिली, कैसे आपको ये दिमाग में आया कि आपको मिस इंडिया में रुचि है? सबसे पहले ये मेरा बचपन का ही ड्रीम था कि मैं इस कॉन्टेस्ट में जाऊं, बट फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते कभी ऐसा टाइम ही नहीं मिला कि मैं खुद के लिए समय दे पाऊँ। चूँकि मेरे दो बच्चे हैं तो उनकी देख रेख में टाइम ऐसे निकलता गया कि मैं अपने लिए कभी टाइम नहीं निकाल पाई। बट जब मेरे बच्चे थोड़े से बड़े हो गए, मेरा एक बेटा 15 साल में है और दूसरा बेटा 9 साल का है, तो जब वो थोड़े बड़े हो गए मुझे खुद के लिए टाइम मिलने लगा। साथ ही साथ लॉकडाउन के समय जब काफ़ी सारा टाइम था हमारे लिए कि मैं अपने लिए थोड़ा सा टाइम दे पाती, तो मैंने सोचा क्यों ना इस टाइम को यूज़ किया जाए। तो मैंने अपने सपनों को जीना शुरू किया, उनकी तैयारी शुरू की और मैं इस कॉन्टेस्ट में मैंने पार्टिसिपेट किया जो कि गुड़गांव के हयात होटल में था मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट, और जिसमें मैं गई और मैं टॉप 5 में रही हूँ और मुझे बॉडी ब्यूटी का खिताब मिला है। कहीं ना कहीं आपकी, आपने बताया कि दो बच्चे हैं, फैमिली है और आपके पति भी हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ा हो कि नहीं घर से सपोर्ट नहीं मिला, या दोनों बच्चों की आपको देख रेख करना और पति भी मेडिकल कॉलेज में अधीक्षक हैं यहाँ पर शिवपुरी में, तो उनका भी सपोर्ट आपको किस तरह, ये सब घर का मैनेज आपने किस तरह किया मिस इंडिया में भाग लेने के साथ साथ? मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, मेरे हस्बैंड जो कि डॉक्टर हैं और मेरे दोनों बच्चे, मेरी इन लॉज, सभी लोग, मेरी पूरी फैमिली इतनी सपोर्टिव थी कि जब मैंने अपने सपने उनके सामने रखे तो उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरे सपनों का वेलकम किया और मुझे पूरा सपोर्ट किया। मैं सुबह उठती थी, मैं दो दो ढाई ढाई घंटे वर्कआउट करती थी, वो मुझे टिप्स देते थे मेरे हस्बैंड कि नहीं कार्डियो एक्सरसाइज इस तरीके से करिए आप, उसके बाद ब्रेकफास्ट ये लीजिएगा। मेरा हर समय, मेरे बच्चों ने, मेरे छोटे छोटे से बच्चे मेरे लिए, एक टीचर के लिए खड़े रहे हर समय और मेरा पूरा सपोर्ट किया। अगर आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ तो मेरी फैमिली की वजह से, और स्पेशली मैं थैंक बोलूँगी मेरी बड़ी सिस्टर का जिनका नाम रीना सोनी है, जिन्होंने मुझे हर कदम पे सपोर्ट किया। स्टार्टिंग से लेके आज तक वो मेरी बैकबोन बन के रही और कॉन्टेस्ट में भी मेरे साथ गई और हर समय वो मेरी एक ढाल बनी रही मुझे आगे बढ़ाने के लिए। मेरी फैमिली के साथ साथ उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है। आपने 2021 मिस इंडिया में भाग लिया, तो भाग लेने के बाद आपने वहाँ पे कैसे पार्टिसिपेट किया, कैसे आपने आपको डिस्प्ले किया वहाँ पे, क्या क्या आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उसके बाद आप मिस इंडिया 5 में सिलेक्शन हुए? वहाँ पे देश विदेश के लोग आए थे। सबसे पहले तो मैंने ऑनलाइन सर्च किया कि कौन से कॉन्टेस्ट मेरे लिए बेस्ट रहेगा, तो मुझे इस कॉन्टेस्ट के बारे में पता चला, मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया। और जब मैं वहाँ गई तो हालांकि मुझे पहले ही पता चल गया था फाइनल्स में आने से पहले कि वहाँ पे देश विदेश से लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। वहाँ जाने के बाद मैं एक चीज़ सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जब मैं गई तो शिवपुरी शहर को कोई नहीं जानता था, बट फाइनल डे आते आते शिवपुरी शहर को सब जानने लगे थे। ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था रियल में।
और वहाँ पे बहुत सारे कॉन्टेस्ट थे, एक के बाद एक, सुबह से लेके रात तक का एक हैटिक शेड्यूल था जिसको हम सारे कॉन्टेस्टेंट मिलके फॉलो करते थे। देन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, कई नए नए फ्रेंड्स बने और मैंने बहुत अच्छी जर्नी इन्जॉय की जो शायद लॉन्ग लाइफ मेमोरीज़ हैं मेरे लिए। और मैं चाहूँगी कि जो लोग भी ऐसा सोचते हैं कि शादी के बाद उनकी लाइफ कहीं ना कहीं और बच्चों के बाद अब फिनिश हो गई है, शायद यही मेरा एक था कि बस बच्चे हो गए या शादी हो गई, अब हमारी लाइफ में कुछ नहीं है या हम कुछ नहीं कर सकते, मैं उन सबको कहना चाहती हूँ, अपने सपनों को कभी ख़त्म नहीं होने दीजिएगा। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बस आगे बढ़िएगा। आप एक पैर उठाएंगे, दूसरा खुद ब खुद उठ जाएगा, जैसा कि मैंने भी किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक हाउसवाइफ थी कि मैं इस बड़ी प्लेटफॉर्म पर जा पाऊँगी, पर मैंने कोशिश की तो आज मुझे उसका रिज़ल्ट मिला। मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे शहर के मेरे लोग भी आगे बढ़ें। आपने जब पार्टिसिपेट किया तो वहाँ कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, और जो लोग जज थे तो आपने अपने आप को कैसे वहाँ डिस्प्ले किया, कैसे मैनेज किया, उनके बीच हड़बड़ाहट थोड़ी सी रही होगी आपको? मेरे कॉन्टेस्ट में महिमा चौधरी जज थी, एंकर अमन वर्मा थे और भी सेलिब्रिटीज़ थे। बट कहते हैं ना कि एक औरत में एक शक्ति होती है, तो वही शक्ति थी, एक माँ की शक्ति थी, एक पत्नी की शक्ति थी, एक परिवार का सपोर्ट था जिसको लेके मैं वहाँ गई। और जब आपके पीछे आपका पूरा परिवार खड़ा होता है तो आप कोई भी काम कर सकते हो जब आपके पास एक सपोर्ट हो। तो मेरे पास एक सपोर्ट था, तो मैं उस सपोर्ट के साथ एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी। और टेंशन जब तक होती है जब तक आप वहाँ पहुँचते नहीं हो, जब आप पहुँच जाते हो, सबके इतना अच्छा नेचर था और हमको हर तरीके से समझाया गया, वहाँ पे ग्रूमिंग क्लास चली, तो वो सारी चीज़ें जो डर था वो ख़त्म हो गया था। फिर तो हमने बहुत इन्जॉय किया और अपने स्टेप में हर चीज़ को बहुत खूबसूरती से किया। एक बार बहुत सारे राउंड होते थे हमारे, कॉस्ट्यूम राउंड, टैलेंट राउंड, जिसमें मेरा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा और हमारी जज भी बहुत खुश थी हमारे टैलेंट से, महिमा चौधरी जो हमारी जज थी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। आगे आपकी क्या प्लानिंग रहेगी मिस इंडिया में, आप क्या आगे और बढ़ना चाहती हैं, फिर यहीं पे आप अपना ये मिस इंडिया का जो है खिताब यहाँ पर समाप्त कर देंगी, और बाकी जो लोग हैं और भी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, जो आपने अभी फैमिली के होते हुए भी ये मुकाम हासिल किया है, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे? ये दो क्वेश्चन मेरे लास्ट रहेंगे आपसे। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि मैं अपने इंडिया का नाम आगे रोशन करूँ। मैं इंटरनेशनल में जाना चाहती हूँ, जो कि मेरा ड्रीम है। और मैं उन सभी महिलाओं से एक बात कहना चाहती हूँ कि अपने आप को कभी रोकिए नहीं, अपने सपनों को सच में कभी ख़त्म मत होने दीजिएगा। आप जो चाहते हैं वो पॉसिबल है, बस जिस दिन आपने ये संकल्प कर लिया आप कोशिश करें। मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया, मैं जिस छोटे से शहर में रहती हूँ वहाँ पे कोई एकेडमी नहीं थी, यहाँ पे कुछ भी मुझे गाइड करने वाला नहीं था, बट मैंने कोशिश की, मैं ग्वालियर जाके रही, मैंने ट्रेनिंग ली जाके और मैंने बहुत कुछ किया। मैंने मीनाक्षी माथुर मैम स्टार स्टेप से ट्रेनिंग ली, मैंने बहुत स्ट्रगल किया, अपनी मेरी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया। मैं चाहती हूँ कि जो लोग भी हैं आप कोशिश करिए, आप कोशिश करेंगे तो आपकी फैमिली आपका सपोर्ट करेगी। अपने सपने उनके साथ साझा तो करिए, शायद अगर आप अपने मन में ही अपने सपने रखे रहेंगे तो लोगों को कैसे पता चले कि आप क्या करना चाहते हैं। अपने सपनों को, अपने पंख फैलाइए, आप उड़ना खुद ब खुद सीख जाएंगे। रियली थैंक यू। तो ये थी रिंकी वर्मा जी हमारे साथ, जिन्होंने मिस बॉडी ब्यूटीफुल 2021 में 5वें स्थान पर स्थान प्राप्त किया, और आगे भी इनकी गतिविधियां जो रहेंगी मिस इंडिया को लेकर वो इंटरनेशनल लेवल पर रहेंगी कि इंडिया का पूरा नाम रोशन कर सकें। साथ ही साथ शिवपुरी का तो इन्होंने किया, जैसे कि बताया कि वहाँ पर जब ये गई थी जब शिवपुरी का नाम कोई नहीं जानता था, लेकिन इनके जाने के बाद जब इन्होंने, ये शिवपुरी की नहीं है लेकिन फिर भी इन्होंने 3 साल इनको शिवपुरी में हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपना शिवपुरी का नाम प्रेजेंट किया वहाँ पर, तो ये बहुत अच्छी बात है कि शिवपुरी में भी प्रतिभाओं की कमी नहीं है। तो आगे भी बनी रही है फर्स्ट समाचार के साथ।